आज हम कड़ागोट विलेज घूमने आए हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पिछली बार भी आया था मैं यहाँ घूमने के लिए और आपने मेरा पिछला व्लॉग तो देखा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। इस बार भी आ रहे हैं हम और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज हम मंदिर जाएंगे कड़ागोट के। ये मंदिर पिछली बार कवर नहीं कर पाया था पर मैं देखा ज़रूर था, ये ऊपर की तरफ था काफ़ी। तो यार आगे बढ़ते हैं और गढ़वाली ट्रेडिशन देखते हैं। तो यार हम भैरवनाथ की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं आगे ऊपर मंदिर में। पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो आज यहाँ पे भंडारा है, सब ऊपर चढ़ गए हैं और गढ़वाली ट्रेडिशन दिखाते हैं आज आपको और देखते हैं भाई क्या मजा आने वाला है यहाँ पे। तो फिलहाल के तो रास्ता शायद 1 किलोमीटर लगभग है, तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मेरा भाई श्रेय है। तो यहाँ एक एवरेज मंदिर जो कि पुरानी प्रथाएं या मान्यता रखता है जो हमारी गढ़वाली संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो ऊँचा ही होता है, हाइट पे चढ़ाई में चढ़ना ही पड़ता है। वहाँ मेरा मतलब इतना एक एक्सपीरियंस है कि यार बिना चढ़ाई करे तो भगवान से मिलना बहुत टफ होता है। ऑब्वियसली स्वर्ग ऊपर ही होता है तो हम भी ऊपर ही चढ़ रहे हैं और इसी चीज़ का मज़ा आ रहा है यार अभी हमें। तो यार बने रहे इस वीडियो के साथ, अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये डिफिकल्टी नहीं, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है लोगों के लिए जो चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि हम चढ़ाई इतनी खड़ी चढ़ाई हो चुकी है यहाँ पे, इतनी खड़ी चढ़ाई हो चुकी है ना। लुक एट वेयर फ्रॉम आई एम क्लाइंबिंग एट ऑफ। अभी भी हमें काफ़ी चढ़ना और ढोलों की आवाज़ आने लग गई है, वो एक्साइटिंग आवाज़ जो हमें कहीं ना कहीं एनर्जाइज कर देती है और वही चीज़ अभी देखने को मिलेगी। अब हम साइड से लगभग 100 कदम दूर है इसी मंदिर से और जो मज़ा आने वाला ना यार, आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जस्ट बिकॉज दिस ट्रेडिशंस आर वर्थ टू बी विजिटेड एंड दैट्स वाई जो लोग यहाँ नहीं है उनके लिए मैं हूँ यहाँ पे और इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑब्वियसली अब तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखने वाली है हमें यहाँ भैरवनाथ मंदिर में पहुँचने के बाद। कितना नीचे आए हम, मतलब कितने जैसे आए ऊपर हम, राइट यार। तो यह भैरवनाथ का मंदिर बाहर के भी मतलब क्या है, जो उनके बच्चे चाचा वाचा जो आते नहीं थे वो भी आए हैं। जी जी जी, तो आप बाहर के बोलो चाहे अंदर के बोलो, अपने यहीं के तो है सब ऐसे हाथों गढ़वाली। हमारे गांव में एक मंदिर है और ये सब लोग बाकी हमारे भाई साहब से इनसे ज्यादा ये आचार्य भी हैं और ये जैसे कि नाम से ही धौड़िया देवता, धौड़िया का शब्द जो है धोनी से निकला है। धोनी क्या है, जिसको हम आवाज कहते हैं और धोनी जो है दिशाओं का कारक है, 10 दिशाएं होती हैं, ईशान कोण है जिसका कि रुद्र देवता है, पूर्व दिशा है सूर्य और इंद्र देवता है, पश्चिम दिशा में मंगल भगवान का उसका कारक हो गया, वासुकी है और आकाश वर्मा जी है, ये 10 दिशाएं और यही धौड़िया देवता है और यही इसी को काल भैरव कहा जाता है। जी। तो मंदिर के अब एकदम आगे आ चुके हैं और जैसे कि अभी आपको यहाँ के बहन जी ने बताया, यहाँ की बहुत बड़ी स्टोरी है 5-6 देवताओं से जो रिलेट करती है। तो मैं फिर कभी आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देवी आ रही किसी पे, तो देवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आपको एक बार में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। भाई यहाँ पे हो चुकी है हालत खराब, देखो जरा कितना ज्यादा गर्म था मंदिर के अंदर और फिलहाल के लिए हम मंदिर के अंदर जस्ट आगे खड़े और क्या एक्सपीरियंस है यार यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मस्त। तो कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने में, बट आई डोंट थिंक सो कि सबके लिए प्रॉब्लम होगी, वर्थ विजिटिंग। अगली बार पता नहीं कब आना होगा यार कड़ागोट विलेज में, बट इस बार आया हो तो मैंने कहा चलो इस मंदिर को विलेज को कवर कर लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल से आए हैं, यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं, 12-13 किलोमीटर दूर है और यार क्या व्यू है, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ व्यू को और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। पौड़ी गढ़वाल में इतने साल रहने के बाद भी आप इतनी जगह नहीं घूमे हैं, इतनी जगह हमने देखी भी नहीं है अभी, पर ऑब्वियसली बात है कि हमें और जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए ऐसी ही एनर्जी के साथ इसी जगह। तो आज मौका मिला है, भगवान का बुलावा आया था और हम यहाँ पहुँचे, बहुत मज़ा आया। तो यार आगे बढ़ रही है वीडियो के साथ, कॉमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि कैसी आपको वीडियो लगी, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते, क्योंकि राइट नाउ आई एम ऑन द लाइक द स्टीप फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एम थिंकिंग कि अभी काफ़ी स्ट्रगल बाकी है, बट हम लोग साथ में अगर स्ट्रगल करें तो जरूर ऑब्वियस सी बात है कि यार हम गढ़वाल को भी आगे बढ़ा सकते हैं और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। आज माता भुवनेश्वरी के मंदिर जाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा है और हम चाहते हैं कि यह एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में भी हम शेयर करते रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मुझे भी मौका दीजिए ताकि मैं और जगह घूमते हुए आपको भी उन जगह घुमाऊँ और उत्तराखंड में डिफरेंट प्लेसेस जाने के बाद हम देखेंगे यार क्या जो है यहाँ पे और सब है। फिलहाल अब थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है पर आने वाले टाइम पर ज़रूर
कहीं ना कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे और सारे उत्तराखंडी भाई बहन एवं जो भाई लोग बाहर भी रह रहे हैं उनके साथ हम ये शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके।